तो हेलो एंड गाइस, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज कोड जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्री में, जो कि जितने भी बाइक एंड कार है इन सभी का चीट कोड। अरे बाबा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जोर से देखना, ठीक है? समझ गया। मैं आपको जो कि बाद में इस कोबरा बाइक का जो है कि सीक्रेट कोड बताने वाला हूँ। अच्छा। और जो है कि मैं आपको, चलिए यहाँ पर जो है सारे चीट कोड बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कि सबसे पहले नंबर पर जो हमारा चीट कोड होने वाला है डुगाटी डेविल बाइक का चीट कोड। तो उसके लिए आपको अपने सेलफोन में डायल करना होगा 3x7। 3x7 डायल करते ही आपको जो है कि डुगाटी डेविल बाइक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऑसम लग रही है। और इसका जो है कि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जाएंगे सिंपली गैलरी के ऑप्शन में और यहाँ पर जो है कि हमें कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ग्रीन करना चाहें तो ग्रीन कर सकते हैं, ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं। आप जो है कि अपनी मर्जी से इसका जो है कि कलर चेंज कर सकते हैं। अरे बाबा। एंड गाइस, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कि दूसरे नंबर पर जो है कि यमहा वीमैक्स बाइक है। इसका जो चीट कोड होता है वो होता है 3x9 होता है। 3x9 अपने सेलफोन में जैसे ही डायल करेंगे आपको जो है कि यमहा वीमैक्स बाइक देखने को मिल जाएगी। अरे बाबा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज करना चाहें तो आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है कि बनेली TNT बाइक का चीट कोड। तो उसके लिए जो है कि आपको अपने सेलफोन में 3x6 डायल करना होगा। तो 3x6 जैसे ही डायल करेंगे आपको जो है कि बनेली TNT बाइक देखने को मिल जाएगी। अरे बाबा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बनेली TNT बाइक आ चुकी है, जो कि काफ़ी ऑसम लग रही है। एंड गाइस, इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलर चेंज आसानी से हो रहा है। यहाँ पर जो भी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। एंड गाइस, अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है कि हमारी यमहा FZ10 बाइक का चीट कोड। तो उसके लिए आप जो है कि आपको अपने सेलफोन में डायल करना होगा 3x8। 3x8 जैसे ही डायल करेंगे आपको जो है कि यमहा FZ10 बाइक देखने को मिल जाएगी। अरे बाबा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऑसम लग रही है। इसे ड्राइव करना चाहते हैं तो आसानी से ड्राइव भी कर सकते हैं। एंड गाइस, चलिए यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ जो है कि अगला चीट कोड होने वाला है ट्रोन बाइक का चीट कोड। तो यहाँ पर जो है कि अपना सेलफोन निकालेंगे, हम सेलफोन में डायल करेंगे जो है कि 6000 जैसे डायल करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रोन बाइक आ चुकी है, जो कि काफ़ी शानदार लगती है, काफ़ी ऑसम लग रही है। अरे बाबा। एंड गाइस, यहाँ पर चलिए मैं आपको बता दूँ अब जो है कि ZX10R बाइक का चीट कोड। तो उसके लिए आपको जो है कि अपने सेलफोन में डायल करना होगा 6000 जैसे डायल करेंगे आपको जो है कि ZX10R बाइक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऑसम लग रही है यहाँ पर ये। अरे बाबा। सॉरी, यहाँ पर जो है कि ट्रोन बाइक आ चुकी है। चलिए यहाँ पर जो है कि मैं आपको ZX10R बाइक का चीट कोड बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो कि आपको अपने सेलफोन में डायल करना होगा 400 जैसे डायल करेंगे आपको जो है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं ZX10R बाइक आ चुकी है, जो कि काफ़ी ऑसम लग रही है। इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। अरे बाबा। एंड गाइस, यहाँ पर चलिए मैं आपको अगला चीट कोड बता दूँ। यहाँ पर जो है कि एक्टिवा 4G का चीट कोड है अगला। तो उसके लिए जो है कि आपको अपने सेलफोन में डायल करना होगा 4x0 जैसे डायल करेंगे आपको जो कि एक्टिवा 4G देखने को मिल जाएगी। इसका कलर चेंज करना चाहें तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। अरे बाबा। एंड गाइस, चलिए यहाँ पर जो है कि मैं आपको जो है कि इसका अगला चीट कोड बता दूँ, कावासाकी निंजा S2R बाइक का चीट कोड। तो उसके लिए जो है कि आपको अपने सेलफोन में डायल करना होगा 3000 जैसे ही डायल करेंगे आपको जो है कि कावासाकी निंजा S2R बाइक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार लग रही है। अरे बाबा। इसका जो है कि कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस, चलिए यहाँ पर जो है कि मैं जो है कि इसका अगला चीट कोड बता दूँ, पल्सर RS 200 का जो है कि पल्सर RS 200 का जो चीट कोड होता है 5000 होता है। 5000 जैसे कि जैसे डायल करेंगे अपने सेलफोन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो है कि आ चुकी है पल्सर बाइक। इसको जो है कि ड्राइव करना चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैलरी का ऑप्शन में जाना होगा आपको यहाँ पर, और कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मिक्स करना चाहें तो मिक्स कलर कर सकते हैं यहाँ पर। अरे बाबा। चलिए इसके जो है कि अगला चीट कोड बता दूँ। यहाँ पर जो कि अगला जो है कि हमारा चीट कोड होने वाला है हायाबुसा का। हायाबुसा के लिए आपको जो है कि अपने सेलफोन में डायल करना होगा यहाँ पर जो कि 7000 जैसे डायल करेंगे जो है कि अपने सेलफोन में आपको जो है कि हायाबुसा बाइक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऑसम लग रही है। इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। अरे बाबा। एंड गाइस, चलिए यहाँ पर जो कि मैं आपको बता दूँ जो है कि स्प्लेंडर बाइक का चीट कोड। उसके लिए आपको जो कि अपने सेलफोन में डायल करना होगा 9000 जो है कि अपने सेलफोन में डायल कर लीजिए यहाँ पर आसानी से। और जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो है कि स्प्लेंडर बाइक आ चुकी है, जो भी काफ़ी शानदार लगती है। इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अरे बाबा। एंड गाइस, यहाँ पर चलिए मैं आपको जो है कि रॉयल इनफील्ड बुलेट का चीट कोड बता दूँ। इसका जो चीट कोड होता है 999 होता है। 4x9 डायल करेंगे अपने सेलफोन में, यहाँ पर चलिए डायल कर लेते हैं 4x9। 4x9 डायल करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो है कि बुलेट बाइक आ चुकी है। इसको ड्राइव करना चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अरे बाबा। चलिए जो है कि इसका जो है कि अगले जो कि हमारा चीट कोड होने वाला है अगला न्यू KTM का। तो जो है कि उसके लिए आपको अपने सेलफोन डायल करना 12-10 जैसे डायल करेंगे आपको जो है कि 12-10 यहाँ पर सिंपल से डायल कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो है कि न्यू KTM बाइक आ चुकी है। यहाँ पर इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं आसानी से। अरे बाबा। एंड गाइस, चलिए यहाँ पर जो कि मैं आपको बता दूँ,
जो एक बाइक का चीट कोड था उसके लिए आपको जो है कि अपने सेलफोन डायल करना होगा 4215 4215। जैसे ही डायल करेंगे आपको जो है कि यहाँ पर डोइक बाइक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऑसम लग रही है। इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे गैलरी के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अगर जो है कि कोई भी कलर करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। रेड करना चाहें तो रेड भी कर सकते हैं। अगर जो है कि मिक्स करना चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं आसानी से। एंड गाइस चलिए यहाँ पर जो कि मैं आपको बता दूँ KTM जो कि पुरानी वाली KTM का जो कि चीट कोड, इसके लिए जो कि अपने सेलफोन में डायल करना होगा 1210 1210। जैसे डायल करेंगे आपको जो है कि पुरानी वाली KTM देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि आ चुकी है, काफ़ी ऑसम लग रही है। एंड गाइस चलिए यहाँ पर जो कि लास्ट चीट कोड होने वाला है हमारा जो है कि पल्सर बाइक का चीट कोड। तो पल्सर बाइक का जो चीट कोड होता है 1211 होता है। 1211 जैसे डायल करेंगे अपने सेलफोन में आपको जो है कि यहाँ पर जो कि पल्सर बाइक देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस इसका जो है कि कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि गैलरी के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर कोई भी कलर आसानी से चूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको ड्राइव करके भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऑसम लग रही है ये। यहाँ पर काफ़ी सारी बाइक है हमारी जो है कि काफ़ी सारी बाइक आ चुकी है। इन सभी का चीट कोड मैंने बता दिया है इन सभी का, जो कि अगर आपको कोई भी चीट कोड अगर जो है कि पता करना है तो आप जो है कि कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। अरे बाबा अच्छा।